अच्छा नहीं, मैं ये जानना चाहता था, जैसे आप कह रहे हैं महाराष्ट्र तमिलनाडु में फिर भी काफी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो जैसे बाकी कई सारे ट्रांसजेंडर हिजड़ा इंटरसेक्स कम्युनिटी एलजीबीटी के संगठन है महाराष्ट्र में, सांगली में संग्राम और वैशा न्याय मुक्ति परिषद है, तो इन लोगों का काफी अच्छा काम रहा है शुरू से एक पॉलिटिकल कलेक्टिवाइजेशन का। तो आपके अनुभव में बाकी जितने सारे ग्रुप्स अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, खासतौर पर तमिलनाडु में काफी बड़ा एक मूवमेंट है, तो उनके एक्सपीरियंसेस से क्या समझ में आता है कि, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी स्टेट कंप्लाई करता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, खासतौर पर हिजड़ों के मुद्दे के ऊपर, क्योंकि वो फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली वहां पे उन्होंने किस तरह से इसको अपोज किया, इस स्टेट गवर्नमेंट्स के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ना कंप्लाई करने को किस तरह से अटैक किया गया बाकी ग्रुप्स ने? इस मामले में तो तमिलनाडु बहुत आगे काम करने के, जब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं था तभी वो लोग ने पीपल्स वेलफेयर बोर्ड बनाया, तभी भी वो इंदिरा आवास योजना पेंशन स्कीम के लिए। उसके बाद अभी वेस्ट बंगाल में बहुत सारे आर्गेसी के बाद लास्ट वीक शायद ममता मैडम ने डिक्लेयर किया था जेंडर वेलफेयर बोर्ड रिक्वेस्ट करने। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी ऑन द प्रोसेस और बिहार में ऑन द प्रोसेस, वहां पे थोड़ा सा कम्युनिटी लीडर भी बहुत ज्यादा है एंड अलग जो सपोर्टिंग लोग हैं जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, वो लोग का साथ